जय हिंद बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं सोल्यूशन चैप्टर का अगला वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉन एज कंसेंट्रेशन बच्चों ध्यान रखिएगा किसी भी सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी भी सोल्यूट की जितनी अमाउंट घुली होती है वो कहलाती है कंसेंट्रेशन या फिर सांद्रता वेरियस कंसेंट्रेशन टर्म्स आर यूज बच्चों और इस कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग सांद्रता मात्रक प्रयोग किए जाते हैं जैसे मास परसेंट वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर मॉल फ्रैक्शन, मोलरिटी मॉलरिटी फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी बच्चों वैसे तो यहां पर हमने 10 लिया है लेकिन इससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म होती हैं जो सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होती हैं लेकिन अगर कोई भी इन 10 कंसंट्रेशन टर्म को कर लेता है तो सॉल्यूशन चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में बच नहीं पाएगी तो आइए एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करते हैं पहला लेते हैं मास परसेंटेज जिसको स्मॉल डब्ल्यू बाय कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ द सोल्यूशन बच्चों ध्यान रखिएगा मास परसेंट ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी भी सोल्यूशन के हंड्रेड ग्राम में किसी भी विलय या सोल्यूट की कितने ग्राम प्रेजेंट है ये कहलाता है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट फॉर्मूला रहेगा मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू वन हंड्रेड ध्यान रखिएगा किसी भी विले या सोल्यूट पदार्थ के ग्राम को अगर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन से आप डिवाइड कर देते हैं और उसमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट वेट बाय वेट सुगर सोल्यूशन इन वाटर ट्वेंटी परसेंट ग्लूकोज सोल्यूशन इन वॉटर बाई मास बच्चों ये दो तरीके की दो तरह की लैंग्वेज होती है जो कॉमनली एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो आइए हम इनको समझ लेते हैं आपको पहले एग्जाम्पल में बोला है टेन परसेंट वेट बाय वेट सुगर सॉल्यूशन इन वॉटर बच्चों वाटर में शुगर का सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसका मतलब होता है कि 10 ग्राम सुगर सॉल्यूशन के घुले हुए हैं 90 ग्राम वाटर में जिससे आपको मिल जाता है टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या ये आपको क्लियर है अब यहां पे अगले एग्जाम्पल बोलता है ट्वेंटी परसेंट ग्लूकोज सोल्यूशन इन वॉटर बाई मास एट तो यहां पर जो आपको बाय मास यानी कि वेट बाई वेट सोल्यूशन बनाना है उसमें ट्वेंटी ग्राम ग्लूकोज को आप घोलेंगे एट्टी ग्राम ऑफ वॉटर में जिससे आपको मिल जाएगा हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन क्लियर हुआ नोट मास परसेंटेज कंसेंट्रेशन टर्म इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज बच्चों ध्यान रखिएगा केमिकल इंडस्ट्री में मास परसेंटेज कंसेंट्रेशन टर्म को प्रयोग किया जाता है सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज स्मॉल वी बाय कैपिटल वी इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट इन हंड्रेड एम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है इस मात्रक को तब यूज करते हैं जब आपके पास सोल्यूट लिक्विड होता है समझ रहे हैं आप यानी कि जो चीज आप घोलने वाले हैं सोल्यूशन बनाने के लिए वो आपका विलय पदार्थ वो सोल्यूट लिक्विड होना चाहिए इसका मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन के हंड्रेड एम वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम घुले हुए हैं उस सोल्यूट के जब इस तरीके से हम लोग किसी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है वॉल्यूम परसेंटेज इसमें बाई कैपिटल वी और बच्चों यह है वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 तो आपको करना क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए जो भी आपका विलय पदार्थ है जो सॉल्यूट है उसके वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं हंड्रेड से तो इस तरीके से आपको वॉल्यूम परसेंट मिल जाता है किसी भी कंपोनेंट का या फिर सॉल्यूट का फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट इथेनोलिक सोल्यूशन इन वॉटर बाय वॉल्यूम फिफ्टीन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथेनॉलिक सॉल्यूशन इन वॉटर एटसेट्रा बच्चों हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं तो पहला एग्जाम्पल जो लिया है टेन परसेंट इथेनोलिक सोल्यूशन इन वॉटर बाई वॉल्यूम आइए पहले इसको समझते हैं इसका मतलब होता है बच्चों कि आपके इथेनॉल सॉल्यूट के 10 एम जो है वो 100 एम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और ये तब मुमकिन है जब आप 10 इथेनॉल लिक्विड सॉल्यूट को 90 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपका 100 एम सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्मॉल डब्लू बाय कैपिटल वी बच्चो ये कंसेंट्रेशन टर्म या फिर सांद्रता का मात्रक तब यूज करते हैं जब आपका पदार्थ सोलिड होता है इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी सोल्यूट की वह मात्रा जो 100 एम एल सोल्यूशन में उपस्थित होती है वह कहलाती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एग्जाम्पल टेन परसेंट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा तो यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है आइए इसको डिस्कस करते हैं आप यहां पे देखिए डब्ल्यू बाई वी दिया हुआ है इसका मतलब है कि टेन ग्राम एन ए सी एल यानी कि सोडियम क्लोराइड सोलिड सोल्यूट घुला हुआ है हंड्रेड एम एल सोल्यूशन के अंदर क्या ये क्लियर है आपको नोट मास बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन टर्म इज यूज्ड इन मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्री बच्चों दवाई बनाने वाली जो कंपनीज होती है जिसको फार्मा या मेडिसिन इंडस्ट्री बोलते हैं वहां पर ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज टर्म ये मात्रक यूज किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम दिस टर्म इज यूज वेन सोल्यूट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन पार्ट पर मिलियन या पीपीएम जो कंसेंट्रेशन यूनिट होती है बच्चों ये तब यूज की जाती है जब किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट या विलय पदार्थ की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन ऑफ द सोल्यूशन यहां पर किसी भी सोल्यूट की मात्रा जो होती है वो आपके एक मिलियन सोल्यूशन के पार्ट में उपस्थित मात्रा को प्रदर्शित करती है दिखाती है ये आ गया हमारा पीपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पीपीएम निकालने के लिए जिस भी कंपोनेंट का आपको पीपीएम निकालना है उसकी मात्रा निकालनी है उसके पार्ट्स को आप डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट की उस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है उसको टोटल पार्ट आप डिवाइड कर देंगे और टेन रेस्ट पावर सिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे पीपीएम और बच्चों ये दिए हैं वो एग्जाम्पल जहां पे आप पीपीएम यूनिट यूज करते हैं सोल्यूट की अमाउंट निकालने के लिए अब देखिए एटमोस्फियर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी गैसेस हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड्स तो यहां पर बच्चों उनकी अमाउंट जो होती है वो टोटल एयर में निकालने के लिए पीपीएम यूनिट यूज किया जाता है क्योंकि जो वहां पे पोल्यूशन करने वाली गैस होती है उसकी मात्रा टोटल एयर के कंपैरिजन में काफी कम होती है दूसरा बच्चों वाटर के अंदर अगर आपको किसी भी डिजोल्व कार्बोनेट है सल्फेट है ऑक्सलेट है अगर किसी भी सोल्ट की वहां पे मिनरल की आपको क्वांटिटी व्यक्त करनी है डिटरमाइन करनी है कैलकुलेट करनी है तो वो केवल पीपीएम से ही संभव है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ द सोल्यूशन अगर कोई एक लीटर सोल्यूशन के अंदर घुले हुए सोल्यूट या विलय पदार्थ के ग्राम को व्यक्त करता है तो यह कहलाती है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बच्चों स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर स्मोल फ्रैक्शन काई इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन तो बच्चों जिस कंपोनेंट का चाहे वो सोल्यूट हो या सोलवेंट हो जिसका भी आपको मोल प्रभाज या मोल फैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल मोलो को डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट है उन सब के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे हमने काई सोल्यूट लिखा है इसका मतलब है कि हम यहाँ पे विले या सोलूट का मोल फ्रैक्शन फ्रक्शन निकालने और जो यहाँ पे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो आपको मिलेगा सोल्यूट के मोल को डिवाइड कर दें अगर हम सोल्यूट और सोलट के मोलो के टोटल से क्लियर है आपको अब अगर आपको सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज निकालना है तो काई सोलवेंट इज इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट बच्चों एन जो यहां पे होता है एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स क्लियर है आपको और जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में ये उसके मोल बन जाते हैं मोल कैलकुलेट करने के लिए हमने एक ईजी और सिस्टमिक वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से जाके मोल निकालना सीख सकते हैं जिसको दिक्कत है तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभास निकाल सकते हैं बुक में इसको काई से दिखाते हैं बच्चों इसको कुछ बुक्स में एक्स भी लिखा रहता है ध्यान रखिएगा ये एक्स नहीं होता है काई होता है नोट सम ऑफ मॉल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन काई सोल्यूट प्लस काई सोलवेंट इज इक्वल टू वन और यूनिट बच्चों ध्यान रखिएगा बड़े काम का नोट है क्योंकि वहां पे वो क्या करता है आपको कि कई बार वो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकलवाने के बाद दूसरे का पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर चाहे आपके दो कंपोनेंट हो या दो से ज्यादा हो जनरली हमारा जो सॉल्यूशन होता है हमारे जो कोर्स में वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन दे दिया जाए जिसमें तीन या चार कंपोनेंट हो तो वहां पर अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो चार कंपोनेंट वाला हो चाहे तीन कंपोनेंट वाला हो या दो कंपोनेंट वाला हो सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा टोटल होगा वो किसी भी सोल्यूशन के लिए यूनिट या एक के इक्वल होता है जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को मोलरिटी कैपिटल एम बच्चों इसको हिंदी में मोलरता भी बोलते हैं मोलरता क्लियर हुआ आपको इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ द सोल्यूशन मोलरता मात्रक तब यूज करते हैं जब आप मोल की भाषा में बात करते हैं तो किसी भी सोल्यूशन के एक लीटर में उपस्थित मोलो की संख्या उस विलियन की मोलरता या मोलरिटी कहलाती है क्लियर है आपको और बच्चों ये है हमारा किसी भी सोल्यूशन की मोलरिटी या मोलरता को निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और ये होती है हमारी यूनिट मात्रक मोलरता का मोल पर लीटर इसका मात्रक या यूनिट होती है अभी आपने पीछे देखा था कि जो नंबर ऑफ मोल होते हैं बच्चों उसको स्मॉल एन से दिखाते हैं तो हमने यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह लिखा हुआ है एन सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को हमने वी सोल्यूशन इन लीटर कर दिया है कोई दिक्कत तो नहीं है आपको और बच्चों मोल जो निकालेंगे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट के जो मोलो की संख्या होगी वो इक्वल होगा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन वन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम बच्चों अगर आप किसी विले या सोल्यूट के जो आपको ग्राम में अमाउंट दिया हुआ है अगर आप उसके मोलर मास या आणविक द्रव्यमान से भाग कर देते हैं तो इससे तो आपको मिल जाएंगे सोल्यूट के मोल्स। और फिर बच्चों किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को अगर आपको वहां पे एमएल में दिया हुआ है 500 हंड्रेड दिया हुआ है 500 सौ दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम 600 सौ दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला गया है और नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इससे आप इजिली किसी भी सोल्यूशन की मोलरता या मोलरिटी निकाल सकते हैं यहीं पर थोड़ा चेंज कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर जो एग्जाम में बनता है उसको भी लगे हाथ देख लीजिए ध्यान रखिएगा अगर आपको मोलरिटी निकालने के लिए बोलता है और वहां पे वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का तो वहां पे इनको देख के आप क्लियर हो जाएगा कि ऊपर वाला फॉर्मूला अब अप्लाई नहीं होगा आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए और आपका मोलरिटी या मोलरता आ जाएगा तो बच्चों आज हमने किसी भी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए सांद्रता को दिखाने के लिए यहां पर सात फॉर्मूले यूज किए हैं जो दस फॉर्मूले हमने चूज किए थे उनमें से सात हमने डिस्कस किए हैं तीन हमारे बचे हैं और इस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बची है तो दूसरे पार्ट में हम वो तीन बची हुई यूनिट भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे आपके साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए तो होपफुली आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा आज के वीडियो में हमने जाना कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट को व्यक्त करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग मात्रक या कंसेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं वो तो डिपेंड करता है कि वहां पे कंडीशंस कैसी हैं या फिर वहां पे सोल्यूट की नेचर कैसी है